हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ शिवांशु आत्रे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आइए मैं आपको आज मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ओर ले चलता हूं। हमने देखा होगा कई बार एग्जाम में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंकिंग ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए इसकी रैंक क्या होगी। तो देखिए हम कैसे इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है रैंकिंग। मान लीजिए कोई वर्ड ले लेते हैं हम, लेट इट बी लेट, देर आए दुरुस्त आए, है ना, लेट ले लिया अपन। अब हमें बताना है कि ये लेट कौन से रैंक पे होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि इसके जो अल्फाबेट्स हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, है ना। तो इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा और फिर टी आएगा। क्लियर है? अब बचपन में हमने क्रॉस वाला गेम खेला होगा तो हमें कुछ नहीं करना, वही गेम खेलना है। यहां पे एल अल्फाबेट को कट कर दीजिए, पहला यही आ रहा है ना। अब एल वहां कहां है उसको भी कट कर दीजिए। क्लियर? अब यहां चेक कीजिए एल के बाद कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, थ्री। तो ये हो गया आपका 3 factorial। क्लियर? अब यहां चेक कीजिए एल से पहले, इसके बाद और यहां पहले, एल से पहले कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 2। तो इंटू 2, अब फैक्टोरियल नहीं करेंगे, है ना, इंटू 2 प्लस ए ए। अब देखिए ए के बाद कितने आ रहे हैं, 2 अल्फाबेट्स। तो ये हो गया आपका 2 factorial इंटू, पहले कितने हैं से एक भी नहीं है तो 0 प्लस टी। अब टी के बाद कितने आ रहे हैं, 1, तो 1 factorial इंटू, टी को कट करा, टी से पहले कितना आ रहा है, 1, तो इंटू 1 प्लस बाद में कितने, 0, पहले कितने, 0, तो 0 factorial इंटू 0। क्लियर? और प्लस 1, प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि लेट भी लेंगे हम, है ना। कितना हो गया 3 factorial, कितना होता है 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो आंसर आ गया हमारा 14। देखिए कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज हम, है ना, इसके बाद एक रेंडमली एक वर्ड और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं, हम रेंडमली की बात करते हैं तो चलिए वर्ड रेंडम ही ले लेते हैं, रेंडम ले लिया हमने, रेंडम, आर ए एन डी ओ एम, रेंडम। इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिएगा, ए डी देन एम एन ओ आर। क्लियर? फर्स्ट कट किया, क्लियर है? कितने आ रहे हैं बाद में, 1 2 3 4 5, दैट विल बी 5 factorial। कितने आ रहे हैं पहले, 1 2 3 4 5, सो इनटू 5। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? सेकंड कट कीजिए, ए ए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 factorial इनटू, कितने आ रहे हैं पहले, एक भी नहीं आ रहा, 0। देन एन कितने आ रहे हैं पहले, 1 बाद में, 1 2 3, सो 3 factorial। कितना है पहले, 2। देन डी कितना है, 2 factorial। डी कितना है, 0। ओ कितना है, 1 factorial। कितना है, 1। एम कितना है बाद में, 0 factorial। कितना है पहले, एक भी नहीं है ना, 0 factorial, 0 खत्म। और प्लस का 1 ऐड कर देंगे लास्ट में, क्योंकि रेंडम भी लेना है। तो ये हमारे पास बचा 5 factorial, होता है हमारे पास 120। तो 120 into 5 कितना हुआ, 600 प्लस 0, 3 factorial कितना हुआ, 6 6 2 12 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, कितना आंसर आ गया, 614। तो रैंडम का क्या होगा, 614। आई होप ये आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उतार लीजिए इसको फटाफट।
चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अ बस हैविंग 20 स्टेशंस एन रूट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 6 स्टेशंस। एक बस है जिसको 20 स्टेशंस दिए गए हैं, वहां उसे केवल 6 स्टेशंस पे ही रुकना है। नंबर ऑफ वेज द बस कैन बी स्टॉप इफ नंबर नो टू ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। लगातार एक के बाद एक नहीं रुक सकती वो, है ना। तो हमें बताया गया है कि 20 स्टेशन है, 6 सेलेक्ट करने। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए बहुत इजी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। पहले आप छोटे उसमें समझिए, मान लीजिए मेरे पास 5 स्टेशन है, ठीक है, 5 स्टेशन है। अब इन 5 स्टेशन में से मान लेते हैं S1, S2, S3, S4, है ना, S1, S2, S3, S4, S5, और मुझे बस को किसी भी 2 जगह रुकना है, ठीक है। अब कहीं भी रुक सकते हैं स्टेशन पे, है ना। तो अब और कंसेक्यूटिव भी नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 2 स्टेशन को तो हटा देते हैं कि भाई 2 जगह तो रुकेगी, तो हटा दीजिए। अब आपके पास कितने स्टेशन बचेंगे? 3, यानी कि एस एस एस, मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूं, कोई से भी हो सकते है ना। इन 3 जगह बचे, ठीक है, 2 जगह तो रुका। अब जो रुकने वाली जगह थी उनको तो हमने हटा दिया, अब जो नहीं रुकने वाली जगह थी उनको हमने लिख दिया। अब आप देखिए कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए, तो बस यहां रुक सकती है, यहां रुक सकती है, यहां रुक सकती है और यहां रुक सकती है, है ना। बस के पास कितनी जगह आ गई? 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस आ गई, ठीक है, क्लियर। अब इन 4 जगह में से कितनी जगह रुकना है? 2, तो आंसर हो जाएगा 4C2। तो अब देखिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसे आप खटाक से उसका आंसर निकाल सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। टोटल कितने स्टेशन थे? 5, कितनी जगह रोकना है? 2, तो 5-2 कर दीजिए, कितने बचा? 3, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 4, तो आंसर आ गया 4C2। अब यहां देखिए कितने स्टेशन है? 20, क्लियर, कितनी जगह रोकना है? 6, तो 20-6, 14, 14 में 1 ऐड कर दीजिए, 15, तो आंसर हो जाएगा 15C6, लिख लीजिए। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है अ क्रिकेट टीम कंप्राइजिंग ऑफ P1, P2, P3 अप टू P11, ये प्लेयर्स हैं हमारे 11 प्लेयर्स क्रिकेट टीम के, इज टू बी सेंड फॉर बैटिंग। If P3 wants to bat before P10 and P10 wants to bat after P6, then the number of batting order, if order, other players could go in any order. ठीक है, यानी कि यहां पर हमें P1 से P11 तक जो प्लेयर्स हैं, इनको बैटिंग पे भेजना है। ऑर्डर मायने नहीं रखता, पर ये 3 दोस्त ऐसे हैं P3, P10, P6, इनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई है कि नहीं पहले मैं बैटिंग करूंगा, पहले मैं बैटिंग करूंगा, तो इन्होंने आपस में कंडीशन डिसाइड कर ली। कंडीशन क्या है कि P3 जो है वो P10 से पहले बैट करना चाहता है, यानी कि P3 P10 से पहले आएगा, क्लियर। अब P10 क्या कहता है कि ठीक है तुमने कंडीशन रख दी, पर मैं भी क्या करूंगा, P10 wants to bat after P6, मैं P6 के बाद जाऊंगा, यानी कि P6 अगर जाता है तो उसके तुरंत बाद P10 चला जाएगा, या उसके थोड़ी देर बाद, मतलब उसके बाद जाने वाला है, क्लियर है। तो अब यहां पे कंडीशन ये आ गई है कि इनको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूं, P3, P6, P10, या फिर मैं इनको लिख सकता हूं P6, P3, P10, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। ये जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिवली जाएंगे एक के बाद एक, ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, कोई फर्स्ट नंबर पे भी जा सकता है, ओपनिंग कर सकता है, कोई थर्ड पे आ सकता है, बट कंडीशन यह है कि अगर 3 गया है तो 3 के बाद फिर 6 जाएगा, 6 के बाद 10 जाएगा, या 6 गया है तो 6 के बाद 3 और 10, इस तरह से ये चलेगा, है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? देखिए बहुत इजीली ट्रिक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 2 कंडीशन है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए 2 कंडीशन है तो मैंने लिख दिया 2, क्योंकि 10 तो फिक्स है, तो 3 और 6 आपस में इंटरचेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 ही तरीके से, 2 लिख दिया इनटू, क्लियर है। अब मेरे पास टोटल प्लेयर कितने हैं? 11, P1 से P11 तक, ये कितने प्लेयर हैं? 3 प्लेयर, तो इन प्लेयर्स की मुझे जगह फिक्स करनी पड़ेगी। मान लीजिए लिखा है फर्स्ट,
सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 11। अब एक यहां चला गया है ना, P3 यहां चला गया मान लीजिए, 4 पे P6 चला गया और ये चला गया अपना P10, कहीं भी जा सकते हैं ये। तो पहले इस 11 में से इनकी जगह मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 11C3। ठीक है, 2 तो मेरा इसलिए आ गया क्योंकि ये P3 और P6 आपस में जगह बदल सकते हैं, कंडीशन दी गई है। देन ये जो मेरे पास तीन जने थे 3, 6, 10, इनको मैं 11C3 तरीके से बैठा सकता हूं। अब बचे कितने, 8 प्लेयर्स, जगह कितनी बची 8। तो वो आपस में देखिए, यहां एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई है, कुड गो इन एनी ऑर्डर। अब वो जो बचे हुए 8 है वो किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, तो कितने तरीके होंगे, इंटू 8 फैक्टोरियल। तो आंसर मिल गया आपको 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 11C3। ठीक है, कितना सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। तो ये तो था हमारा एक तरह का क्वेश्चन। अब कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे हम एक पार्टी में गए और पार्टी में मान लीजिए हमारे पास 10 पीपल्स थे। ठीक है, पार्टी में हमें 10 पीपल थे हम लोग। अब सबने एक दूसरे से शेक हैंड करा, तो बताइए कितने शेक्स हैंड होंगे। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, देखिए टोटल कितने लोग हैं, 10। क्लियर, अब सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो अगर मैं मेरी बात करता हूं, मेरे अलावा कितने लोग होंगे, 9। तो यानी कि मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा, 9 लोगों से, तो 10 इंटू 9। क्लियर, पर आप ये देखिए, जब मैं एक बार हाथ मिला रहा हूं, मान लीजिए मैं थर्ड पर्सन से हाथ मिला रहा हूं, तो थर्ड पर्सन भी तो मुझसे मिला रहा है, यानी कि एक बार के फंक्शन के अंदर दो जनों का पार्ट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 45। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन वाले पार्ट पे नहीं जाए तो बेसिक से भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटा सा मैंने आखिरी में मैंने क्वेश्चन और बता देते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप और भी कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की ट्रिक्स लाता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।